गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन भौतिकी में गति वह घटना है जिसमें एक वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है। गति को गणितीय रूप में हम विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, गति और समय के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। जैसे कि हम कोई कार हमारी ए बिंदु पर है और वो जो बी पर जा रही है, तो जो वो चल रही है, जो गति में है, तो वो क्या है? हमारा मोशन। नेक्स्ट है किसी प्रेक्षक। प्रेक्षक कौन होता है? जो चीज़ों को देखता है। के संदर्भ में एक फ्रेम संलग्न करके और समय के साथ परिवर्तन के साथ उस फ्रेम के सापेक्ष शरीर की स्थिति में परिवर्तन को मापने के द्वारा एक पिंड की गति को देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में उसने कितनी दूरी तय की है और कितने समय में तय की है, ये सब हमारा क्या है? मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कोई हवाई जहाज है। हवाई जहाज जब चल रहा होता है और हम उसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गति में है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह स्थिर होते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन है हमारा, ठीक है, बिंदु ए पे है, ठीक है, और हम यहाँ से देख रहे हैं बी से, ठीक है, इसको देख रहे हैं, तो ये एरोप्लेन आगे जा रहा होता है और हम तो वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब क्या है? ये गति में है। नेक्स्ट है गति निम्न प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो वन डी मोशन हम किसे कहेंगे? रेक्टिलाइनर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सारे क्या हमारे? वन डी मोशन और या रेखीय गति। जब कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसे कहेंगे हम वन डी मोशन। जैसे हम यहाँ पे ए पे और हम जा रहे हैं बी पर, तो ये सीधा क्या? स्ट्रेट लाइन में मोशन, तो ये क्या हमारा? वन डी मोशन। इसे हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, मेजर मतलब इसको नाप सकते हैं कि ए से बी तक की दूरी हमारी कितनी है, तो इसे सिर्फ मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 2D मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मतलब जो बिल्कुल सतह प्लेन हो पर गति करती है और वह सतह बंदी हो जिसका एरिया निकाला जा सके, तो उसे कहेंगे हम 2D मोशन। जैसे प्लेन, सर्कल, इसका केवल एरिया निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है 3D मोशन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के भरने की बात होती है तो वहाँ क्या होता है? 3D मोशन। जैसे स्पेस, गैसेज, ग्लास एसेट्रा, जो चीज़ 3D में होती है उनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ 1D मोशन क्या है। जो एक स्ट्रेट लाइन में हो इसको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं कि ए से बी तक के हमारा कितनी दूरी पर है, ए से बी कितनी दूरी पर है। नेक्स्ट है 2D मोशन, जिसका सिर्फ हम एरिया निकाल सकते हैं, तो क्या होता है? हमारा स्केयर या कोई रेक्टेंगल पोजीशन पे हो, वो होते हैं हमारे 2D मोशन। 3D मोशन जैसे स्पेस है, स्पेस में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमारी कोई गैस है, गैस एक जगह तो रहेगी नहीं, अलग अलग जगह पर जाएगी, तो उनका क्या किया जाता है? 3D मोशन। ठीक है, और हम इसको एक सिलेंडर में भर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। अभी मैंने बताया था मोशन क्या होता है, ए से बी तक की दूरी, कि ए ने बी तक की कितनी दूरी तय की है, क्या हमारा? डिस्टेंस। ठीक है, कोई चीज़ डिस्टेंस में कब? जब वो मोशन में होती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, मतलब से ए से लेकर बी तक की, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। दूरी एक संख्यात्मक माप है, मतलब कि ए से बी तक कितनी दूरी हमारी? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, संख्यात्मक माप है कि कितनी दूर की वस्तु है या बिंदु है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विस्थापन। ए से बी तक डिस्टेंस कितना हमारा? 4 किलोमीटर, और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 4 किलोमीटर।
जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल लिया है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होगा हमारा ए बी सी डी ए, जहाँ तक ये चारों चीज़ जा रही हैं, तो वो तो होगा हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और सी इन दोनों, इन चारों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए सी। और आपसे दूरी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, ए ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो होगा हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट्स हैं हमारे। डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव या डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ था हमारा ए बी के बीच की दूरी कितनी, 4 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस भी 4 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 4। पर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस भी अलग है और डिस्प्लेसमेंट भी अलग है। और अब अगर ये ए से बी तक गया और बी से दोबारा ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होगा, उसी स्थान पे आ गया, तो यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या डिस्टेंस से इक्वल भी हो सकता है। नेगेटिव कब, जब यहाँ से ये उल्टा चले। ठीक है, इतना तो हो गया। वापिस अपनी उल्टी दिशा में चले तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट उस समय नेगेटिव होगा जब डायरेक्शन क्या, अपोजिट। अपोजिट हो गई, यहाँ से यहाँ गया। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी लेनी है। फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या, एक स्केलर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं अदिश राशि, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं सदिश राशि। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का समय या परिणाम क्या होगा, मतलब कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमने मान लिया क्या है, एक 10 मीटर का एक स्क्वायर खेत है, तो ए बी बी सी सी डी क्या, इन चारों का दूरी कितनी है, 10 10 10। तो वो कह रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो पहले 40 सेकंड का एक चक्कर, फिर दोबारा 40 सेकंड, मतलब 80 सेकंड में कितने मीटर चल गया वो, 80। नेक्स्ट 40 में 120 सेकंड और 120 मीटर। अब उसके पास सेकंड कितने बचे, हमारा टाइम था 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 120 मिनट प्लस 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड टोटल होगा मेरी 140 सेकंड, और 120 वो यूज़ कर चुका, तो बाकी कितनी बची, 20 सेकंड। 20 सेकंड में ए से बी, बी तक और बी से सी तक इतना ही चला। पर हमसे अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो हमें 40, 80, 120 प्लस 20, तो हमारा वो तो होगा 140 मीटर, बट हमें पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो हमारा क्या हो जाएगा वो। अरे देखो, हमें ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी कैसे निकल जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और पूरे का रूट, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और रूट, ये हो गया हमारा 200 हमने 100 × 2 में तोड़ लिया, तो हमारा क्या 10√2 मीटर, और रूट टू की वैल्यू होती है हमारी 1.414, और हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 10.40 मीटर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।